आज हम अध्ययन करेंगे वैदिककालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर की बात करते हैं। हम जानते हैं कि जब बौद्धकालीन शिक्षा जो आई थी या बौद्ध धर्म जब आया था तो कहीं ना कहीं वैदिककालीन शिक्षा से लोग जो होते हैं त्रस्त हो गए थे या उसमें बहुत सारी बुराइयाँ आ गई थी और उस बुराइयों के अपेक्ष में ही बौद्धकालीन शिक्षा का पदार्पण हुआ था। इसीलिए इसमें सिमिलरिटीज भी दिखती है और डिसिमिलरिटी भी दिखती है, क्योंकि उसका जो डी मेरिट्स होता उसको हटाते हुए जाएगा, मेरिट्स को अपने साथ में लेते हुए जाएगा। इसीलिए बौद्धकालीन शिक्षा में और वैदिककालीन शिक्षा में डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसकी मेरिट्स को हटाते हुए वो डीमेरिट्स को हटाते हुए उसके और दोष को हटाते हुए उसमें गुण जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वैदिककालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था घर में थी, विद्यारंभ संस्कार होता था और बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, उन गुरु वर्षों सिखाया जाता था, मतलब अक्षर ज्ञान कराते हुए बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाता था। तो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था घर में थी, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा जब आई तब बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मठ और विहार जो बनाए गए थे एजुकेशन के लिए उसमें प्रदान किया। दूसरा है शिक्षा केवल जो भिक्षा होती है वैदिककालीन शिक्षा में भिक्षा केवल जो होते हैं शिष्य मांगते थे, शिष्य जो होते हैं भिक्षाटन करने जाते थे और गुरु उनको पढ़ाने का काम करते थे। दूसरा हम देखते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा में इसमें गुरु और शिष्य दोनों ही मौन भिक्षाटन करते थे, यानी मुंह से कुछ नहीं बोलते थे और लोगों के सामने जाकर के ऐसे खड़े हो जाते थे और लोग को जितना होता था उनको भिक्षा प्रदान किया कर दिया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं वैदिककालीन शिक्षा में शिक्षा पर पूरी तरह सिर्फ गुरु का नियंत्रण था, गुरुकुल प्रणाली में गुरु रहते थे और उन पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं था, वे अपने कंट्रोल में सारी चीज़ों को वहाँ रखते थे बच्चों को अपने साथ। और यहाँ पर देखते हैं शिक्षा पर जो होता है संघ का नियंत्रण था, जो संघ का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा उन संघों के द्वारा शिक्षा पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखा गया था। वैदिक शिक्षा में लाइब्रेरी नहीं थी, जब वैदिककालीन शिक्षा की हम बात करते हैं तो लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन जब बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध और मठ और विहार जब बनने लगे थे, जब संघ के द्वारा स्थापित होने लगे थे मठ और विहार, तो उसमें लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होने लगी थी। और हम जैसे कि अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है जो बौद्ध विहार का बहुत बड़ा केंद्र था, वहाँ दुनिया की सबसे बड़ा जो होती है सबसे बड़ी लाइब्रेरी फर्स्ट लाइब्रेरी नालंदा विश्वविद्यालय में थी, जो बौद्ध विहार के टाइम पर थी, बहुत समय थी। ठीक है, कर्मकांड की प्रधानता थी। जब हम वैदिककालीन शिक्षा की बात करते हैं तो हाँ मोक्ष की प्राप्ति करनी है, परा शिक्षा है, अपरा शिक्षा, इस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन जब बौद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें मनुष्यता पर जोर दिया जाता था, दयालुता, परोपकारिता, सहायता करना, इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाता था। महात्मा बुद्ध हमेशा बोलते थे कि जो दुख का कारण है, दुख का कारण हम स्वयं हैं। और दुख, उन्होंने चार आर्य सत्य की भी बात की थी कि दुख का कारण क्या है, दुख, समुदाय, निरोधा और मार्ग पर बात की थी। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, जिस अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए, मतलब कि सत्य बोलते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए, इन सभी चीज़ों को इन्होंने चार आर्य सत्य बताए थे और आठ अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने बताया था, त्रिरत्न भी इन्होंने दिया था कि अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए हम क्या कर सकते हैं। मतलब इन्होंने मोक्ष की बात नहीं की थी, इन्होंने बोला था कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो ये बोलते थे अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में जो दुख हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद वैदिक काल में ऑर्डिनरी स्कूल नहीं थे, इसमें तो स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, डायरेक्ट हाई स्कूल में बच्चे गुरुकुल में जाते थे। लेकिन जब बौद्धकालीन में शिक्षा की व्यवस्था मठ में होने लगी थी, बिहार में होने लगी थी, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी स्कूल भी स्थापित हो गए थे। अब हम देखते हैं शिक्षा पर केवल ब्राह्मणों का आधिपत्य था, वैदिककालीन शिक्षा में केवल ब्राह्मणों का आधिपत्य था, ब्राह्मण ही पूरा कंट्रोल किए हुए थे। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षक जो होते हैं केवल ब्राह्मण थे बौद्धकालीन शिक्षा में, और वैदिककालीन शिक्षा में शिक्षक केवल ब्राह्मण थे, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा में सभी वर्ग के भिक्षु वहाँ थे। और ये जो भिक्षु थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सभी जो होते हैं शिक्षक बन सकते थे। तो ब्राह्मण यहाँ सिर्फ ब्राह्मण शिक्षक होते थे और यहाँ चारों धर्म के लोग शिक्षक हो सकते थे। यहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, यहाँ शिक्षा का माध्यम पाली था, ये तो आपको पता ही है। यहाँ शिक्षा एक तंत्रवाद पर आधारित थी, यहाँ टीचर गुरुकुल में गुरु के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित था, तो एक तंत्रवाद पर आधारित थी, जबकि यहाँ शिक्षा जनतंत्र पर आधारित थी। जनतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हो, सभी को शिक्षा का अधिकार देना ही जनतंत्र कहलाता है। शिक्षा आश्रम में प्रदान किया जाता था वैदिककालीन शिक्षा में, और यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा जो होता है मठ या विहार में प्रदान किया जाता था, और जो वैदिककालीन शिक्षा में शिक्षा से वंचित
जो थे वो शूद्र जाति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, लेकिन जो शूद्र थे उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन हम जब बौद्ध काल की बात करते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो आज हमने बहुत अच्छे से जाना है कि वैदिककालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में क्या अंतर है। इस तरह से डिफरेंसेज अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।